देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र समेत सभी राज्य सरकारें कदम उठाने में लगी हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बुधवार से राज्य में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा लागू करने की घोषणा की है। यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद दी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट और अभद्रता करने के मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा, नागरिकों के हित को देखते हुए कोरोना वायरस प्रकोप के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्य प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह तो थी शिवराज सरकार की मध्य प्रदेश में एस्मा एक्ट को लागू करने की घोषणा। आइए अब जानें एस्मा एक्ट है क्या। यह एक्ट भारत सरकार अधिनियम के तहत सुनिश्चित करता है कि वह सेवाएं जो ना मिलने पर आम नागरिक के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, उनका वितरण और संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, जैसे कि हॉस्पिटल इत्यादि। आसान शब्दों में इसका अर्थ है कि एसेंशियल सर्विसेज यानी स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सुरक्षा सेवा कर्मचारी इत्यादि, इन सभी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी मर्जी से काम पे आने से मना नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता है तो वह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस एक्ट के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इस एक्ट की मदद से सरकारी महकमे में हड़ताल को रोकने में मदद मिलती है। इस एक्ट को लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। यह एक्ट अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जाता है। इस एक्ट के लागू होने के बाद इस आदेश से संबंधी किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।